उत्तर प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 16 नवंबर से 30 नवंबर तक भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों से विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकालेगा, जिसका शुभारंभ 16 नवंबर को जनपद मऊ से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर किसानों की उन्नति, प्रगति तथा उत्थान का प्रतीक है, इसलिए ट्रैक्टर रैली निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों को यह संदेश देंगे कि देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार तथा योगी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में जितने निर्णय लिए हैं, उतने अभी तक किसी सरकार ने नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों में गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान, बंद चीनी मिलों को शुरू करना तथा नई चीनी मिलों को लगाकर मुख्यमंत्री योगी ने ऐतिहासिक कार्य किया है। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री जनार्दन तिवारी, पूर्व विधायक बृजेश सिंह, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी KM मजवार, किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी ज्ञानेन्द्र मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, सभी जिलों में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकालेगा। इस रैली की शुरुआत, जो किसान ट्रैक्टर रैली, इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से किया जाएगा। मऊ में स्वयं 16 नवंबर को उपस्थित रहूँगा और उस दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। और उत्तर प्रदेश बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उन 75 जिले में विभिन्न तिथियों पर 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच एक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसानों का प्रतीक, किसानों के उत्थान का प्रतीक, उनके उन्नयन का प्रतीक, उनके शौर्य का प्रतीक, उनके प्रगति का प्रतीक ट्रैक्टर है, इसलिए हम ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। और ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो हम सभा करेंगे, किसानों से जो जनसंपर्क करेंगे, उनको यह बताने का काम करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, आदरणीय योगी जी की सरकार प्रदेश में बनी है, किसानों के हितों में जो अब तक निर्णय हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। इतने बड़े फैसले किसानों के लिए किसी भी सरकार में नहीं हुआ है, इसलिए यह बताते हुए किसानों को अपने पक्ष में लामबंद करेंगे तथा जो किसान आंदोलन नाम का एक भ्रामक मायाजाल प्रदेश में फैलाया जा रहा है, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे, उसको हम लोग एक्सपोज करेंगे तथा जनता को यह बताएंगे कि जो किसान आंदोलन नामक मायाजाल है, भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है, उसको न तो जनता का समर्थन प्राप्त है, न किसानों का समर्थन प्राप्त है। इस उद्देश्य के लिए एक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। अच्छा, जो आक्रोशित किसान, उनको कैसे मनाएंगे? नहीं, आक्रोशित किसान है ही नहीं हमारा तो अभी, नहीं हम बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 56,000 गांव हैं। 56,000 गांव में अभी जो अक्टूबर महीना बीता है, इस एक महीने में ग्राम किसान चौपाल का अभियान हम चलाए थे। लगभग 40,000 गांव में किसानों से हम सीधा संवाद किए। 16,000 गांव में इसलिए नहीं हो पाया कि उसी समय बरसात हो गई 4-5 दिन, तो वहाँ के कार्यक्रम स्थगित हो गए। नहीं, 40,000 गांव में किसान ग्राम चौपाल संपन्न हुआ है और जिसमें लगभग 30 लाख के आसपास किसान आए थे, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, कहीं 50, कहीं 2,000, कहीं 1,500। तो किसानों से जब हम संवाद किए तो उनके बीच हम आक्रोश नहीं देखे हैं। किसान तो इस बात के लिए योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद रहे हैं कि पहली बार कोई ऐसी सरकार बनी है जो धरातल पर रहकर और धरातल पर किसानों को लाभ मिले, 2022 तक उनकी आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए प्रयास कर रही है धरातल पर। इसीलिए जो किसान है वो योगी जी के प्रति और मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। अच्छा, जो वो कौन लोग हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं? कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, प्रदर्शन कहीं नहीं हो रहा, विरोध भी नहीं हो रहा कहीं। जो थे वो किसान थे या? नहीं, वो खीरी लखीमपुर की घटना तो एक क्या कहा जाए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो न तो किसान, वो तो एक समुदाय के लोग थे और वहाँ जो भी कुछ घटना घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो किसानों का आंदोलन वो भी नहीं था, वो तो मान लीजिए कोई किसी समाज के प्रति कोई टिप्पणी कर दिया, वो टिप्पणी उसको अच्छी नहीं लगी तो उसके खिलाफ में वो लोग आंदोलन किए। आज है ही नहीं हमारी, अभी जो ग्राम किसान चौपाल हुआ है, जो किसानों के बीच हम गए थे, उसके पहले सितंबर महीने में हम 104
विधानसभा में किसान संवाद रखे थे, अभी लखनऊ में हम लोग किसानों का बहुत बड़ा सम्मेलन किए 25 सितंबर को, तो कुल मिलाकर जब किसानों के बीच लगातार निरंतर हम जा रहे हैं, उसे जब संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं से न तो किसान आक्रोशित है, न नाराज है, न आंदोलन करने के मूड में, सारे के सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि सरकार में भी खाद बीज के लिए किसान परेशान है और इटावा में लाइन लगने के बाद किसान की मौत जा रही है खाद के लिए। अब सही बात तो यह है कि सपा के अध्यक्ष क्या कहते हैं हमारे लिए कोई चिंताजनक बात नहीं है। हाँ, एक थोड़ी सी इस समय एक थोड़ी सी समस्या पैदा हुई है डीएपी की, वो भी डीएपी की समस्या इसलिए पैदा हुई है कि जो डीएपी खाद बनती है इसके जो आवश्यक तत्व हों वो विदेश से आते हैं, विदेशों में खाड़ी देशों में बनते हैं, अपने देश में नहीं बनते हैं, और कोरोना नामक महामारी के नाते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक वो भी उससे प्रभावित रहा, उद्योग धंधे भी उससे प्रभावित रहे। तो जो विदेशों में डीएपी खाद बनने में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो जो बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद हो गई थी, वो धीरे धीरे अब चलनी शुरू हुई है। अब भारत सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास करके और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में जहाँ खेती के समय है वहाँ डीएपी उपलब्ध है, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और अभी हमने मुख्यमंत्री जी इसमें बात किया था पिछले दिनों, तो जहाँ आलू की खेती का समय है जैसे फरुखाबाद है, कन्नौज है, इटावा है, आगरा है, जहाँ आलू खेती होता है वहाँ सबसे पहले 27 रैक डीएपी खाद गई थी। अब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो जाएगी।